नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से करण जी के की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करण जी के की इस सीरीज में आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है या अवार्ड मिला है, जो भी है। ये इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है, देखे तो कई और भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन जनरली चार अवार्ड को हम मान के चलते हैं और इनका क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर अर्जुन अवार्ड और फिर ध्यानचंद अवार्ड, फिर कोच को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये क्रम हमेशा याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। एक तो इनको जो कहा जाता है, जो सन लगाया जाएगा इसके लिए, वो 2018-19 होता है, ध्यान रखिए। पिछली बार का जो था 2017-18, दो सन को ऐसे साथ में लेके चलते हैं। और ये जो है खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये जो दिया जाता है, ये प्रतिवर्ष खेल दिवस पर दिया जाता है। खेल दिवस पर दिया, हालांकि घोषणा पहले होती है, जैसे कल इसकी घोषणा हो गई थी, तो ये खेल दिवस पर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो खेल दिवस है, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, इसकी स्मृति में मनाया जाता है। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखें। कई बार एग्जामिनर का ऐसी चीजों की तरफ ध्यान चला जाता है। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, तो कोई कंफ्यूजिंग ना रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद के स्मृति में, हॉकी खिलाड़ी थे, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, ये जो पुरस्कार हैं चार प्रकार के होते हैं, हालांकि और भी कई हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सबसे बड़ा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। अब ये पुरस्कार कह दो चाहे अवार्ड कह दो, एक ही बात होती है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं होती। दूसरे नंबर पर है अर्जुन अवार्ड, तीसरे नंबर पर है ध्यानचंद पुरस्कार, और चौथे नंबर पर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये क्रम याद रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा आपको, ये कोच को दिया जाता है। इंग्लिश में कोच बोलते हैं, हिंदी में खेल प्रशिक्षक बोलते हैं। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ये आप ध्यान रखें, क्लियर। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आता है, वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पुराने पेपर देखते हैं तो। अर्जुन अवार्ड पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए तो ठीक है, ध्यानचंद और खेल ये जो द्रोणाचार्य है, इसमें बहुत ही रेयर चांस में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक पॉइंट है वो हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सबसे पहले मैं बात करूंगा, पेज के बीच में लिखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी बात करूंगा, ये पहले नंबर का है। दो तीन चार को हम साथ में लेके चलेंगे। ये जो है खेल क्षेत्र का, या ऐसे लिख दीजिए खेल पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार, एक एग्जाम में ये पूछ भी लिया था सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है ये। अब इसमें जो राशि दी जाती है, या ऐसे करो इसको आप चार पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, फिर अलग अलग पार्ट्स पर चर्चा करेंगे अपने। एक तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई, ये प्रारंभ कब हुआ। दूसरी हम बात करेंगे राशि कितनी दी जाती है, हालांकि ये इतना कोई खास नहीं है फिर भी इम्पोर्टेंट मान के चलिए। और इसमें हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। और तीसरी हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति, लेटेस्ट में किसको मिला है, क्या स्थितियां हैं ये। आइए सबसे पहले यदि हम इन पुरस्कारों की बात करें तो 1991-92 में ये प्रारंभ हुआ था, और जो पहला पुरस्कार मिला था ये 1991 और 92 में ही मिला था ये, और ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को मिला था, ये शतरंज के खिलाड़ी थे। एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। क्लियर। अब देखिए राशि में यदि हम बात करें तो राशि नॉर्मल याद रखिए 7.5 लाख रुपए है। प्रमुख में आप आ जाइए इस तरीके से, यहां बढ़ाइए, और तीन पॉइंट्स मैं लेके चलूंगा, इसको तीन हाईलाइट रहेंगे मेरे। एक तो पहली महिला कौन थी, पहली महिला जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, ये पहली महिला 1995-1996 में मिला था ये, और पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। खेल हमेशा ध्यान रखें, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। और पहला क्रिकेटर कौन था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है SSC में आपके। पहला क्रिकेटर जो था ये था सचिन तेंदुलकर, और इन्हें मिला था 1997-98 में। और अपना राष्ट्रीय खेल जैसे हॉकी है तो हमें हॉकी का थोड़ा ध्यान रखना है। पहला हॉकी प्लेयर, मतलब पहला हॉकी प्लेयर कौन था जिसे ये प्राइज मिला, ये थे ध्यानचंद, और इन्हें मिला था 1999-2000 में। अब मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में जो है ये प्राइज है 2018-19 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, यहां गड़बड़ी करता है स्टूडेंट, 2018-19 का है। और ये जो मिला है दीपा मलिक को, ये पैरा एथलीट है, और दूसरे हैं बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, रेसलर है ये बजरंग पूनिया। अब देखिए यहां पर एक बार मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वर्तमान में जो मिले हैं उसके चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो चयन समिति के अध्यक्ष कौन से, उस टाइम उसका आंसर था कपिल देव।
तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो चयन समिति रही है उनका ध्यान रखना है अपने। चयन समिति में शामिल, इसमें अब इस बार दो लोग शामिल थे, एक तो थी एम सी मेरी कॉम, जानते ही हो मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और दूसरे हैं बाईचुंग भूटिया, ये फुटबॉलर हैं, ध्यान रखें ये चयन समिति में थे ये, ठीक है। अब एक बात और ऐड करवाना चाहूंगा मैं, ये जो पुराना है, जैसे यहीं आप नीचे नोट डाल के लिख देना, यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख देना, 2017-18 में जो मिला था ये मिला था मीराबाई चानू, ये वेटलिफ्टिंग से संबंधित थी, और विराट कोहली, ये क्रिकेटर थे, इनको पिछली बार मिला था ये 2017-18 का। वर्तमान में एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट हो गया है, ये लेटेस्ट को पूछने के बजाय पिछले साल का पूछ लेता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। पहला ध्यान रखें, पहली महिला ध्यान रखें, और बेसिक कंसेप्ट, जैसे क्रिकेटर बड़ा लोकप्रिय खेल है और क्रिकेट बड़ा लोकप्रिय खेल है और हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है, इन दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हुई सारी बातें? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीन अवार्ड हैं, इनको मैं कॉलम बनाकर बात करूंगा, जो जो काम की चीज़ है वो पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना। इधर जगह छोड़ना थोड़ी सी, एक साइड में लिखना अर्जुन अवार्ड, ये दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण अवार्ड है। दूसरा है ध्यानचंद अवार्ड, और तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो भी है, मैंने पहले बता दिया कि अवार्ड और पुरस्कार एक ही बात होती है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये बात कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग कब हुई इनकी, ये पहले ही चालू हो गया था, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न से पहले ये तीनों होते थे। राजीव गांधी तो 1991-92 में आया था, ये 85, ये 85, तो याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसमें जो राशि दी जाती है 5 लाख मिलता है, इसमें इसमें भी 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख है, तो आप ध्यान रखना। वर्तमान स्थिति, यदि अपने वर्तमान स्थिति की बात करें, तो ये जो मिला है अर्जुन अवार्ड जो है, ये राजस्थान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदर सिंह गुर्जर को मिला है ये अर्जुन अवार्ड, ये पैरा एथलीट है, ये पैरा एथलीट है, ये और भी है, जैसे रविंद्र जडेजा को मिला है, क्रिकेटर है सभी जानते हो, 19 खिलाड़ियों को मिला है टोटल, ये सारे नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे सिमरन शेरगिल, ये पोलो खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। ध्यानचंद अवार्ड में याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मनोज कुमार को मिला है, ये कुश्ती से संबंधित है, कोई खास बात नहीं है। खेल प्रशिक्षकों को, कोच को तो दिया जाता है द्रोणा पुरस्कार, उसको थोड़ा देख लीजिए। एक तो है विमल कुमार,
बैडमिंटन। विमल कुमार बैडमिंटन के लिए, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस के लिए। तीसरा है महेंद्र सिंह ढिल्लो। ये एथलेटिक्स हैं, इनके लिए मिला है। ये थोड़ा ध्यान रखना, फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार मैंने देखे हैं, हालांकि बहुत कम, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने खेल रत्न के बारे में बात की, जिन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी बोलते हैं। चार पार्ट्स थे, जिनमें से एक पार्ट जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा डिटेल के साथ याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस पर। मैंने इसको पूर्ण रूप से घेरने का प्रयास किया, राशि तक आपको बता दी है, आप इसको ज़रूर तैयार रखें। अर्जुन अवार्ड में सुंदर सिंह गुर्जर का राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और यदि आप शेयर करते हो तो जो अन्य स्टूडेंट जो होते हैं, जिनकी पहुंच कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं होती है, उनको फ़ायदा पहुंचता है, और हो सकता है उनकी कोई दुआ या उनकी कोई वेलविस आप लोगों के एक काम आ सके। क्योंकि होती तो अदृश्य वेलविस है वो, लेकिन फिर भी जब दूसरे का मन खुश होता है तो उस आशीष ही निकलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।